Hello students, good evening. I Milan Barad welcome you all to my YouTube channel. तो लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का पार्ट वन देखा था, जिसमें आईटी जेई के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. आज भी हमारा जो है वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का ही टॉपिक है, इसका पार्ट टू हम कवर कर रहे हैं, यानी कि इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आईटी स्क्रीनिंग 2001 का क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो डेटा रीड करते हैं, कौन सा डेटा दिया है यहाँ पे. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टेंजेंट टू द कर्व एट 1 1 इज 2 यूनिट्स. इफ दिस ट्राइंगल लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट देन बी इज इक्वल्स टू ब्लैंक, राइट. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो भी ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है वो ट्राइंगल टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से जो एक्सिस जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल का एरिया हमने 2 यूनिट्स दिया गया है, राइट. तो देखो यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल से एक फिगर बना लेते हैं. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई हमारे पास, ये कोई एक कर्व है जिसका इक्वेशन हमें दिया गया है. वो कर्व के 1 1 पॉइंट पे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 1 1 पॉइंट. तो ये 1 1 पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट खींच लिया है, ये टेंजेंट है 1 1 पॉइंट पे, एक टेंजेंट बना लिया है. ये जो टेंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो अब देखो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया क्या दिया है हमें, 2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हमें दिया गया है. और हमें बी की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो ये टेंजेंट का अगर मुझे इक्वेशन पता चल जाएगा तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकूंगा और इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकूंगा. इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें अच्छे से मिल जाएंगे, राइट. सो सबसे पहले मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस बी, यानी कि एफ डैश ऑफ 1 स्लोप होगा कि नहीं. तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी इज द स्लोप, राइट. तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें मिल गया 2 प्लस बी. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1 1 पॉइंट मुझे दिया गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कौन सा पॉइंट है, 1 1 पॉइंट है. तो मैं यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इज b प्लस 2 इनटू x माइनस x नॉट, राइट. y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x नॉट. तो मेरे पास ये इक्वेशन मिल गया. अब मुझे क्या करना है, a के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी. अगर मैं y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिल रहा है, देखो माइनस 1 अपॉन b प्लस 2 is equal to x minus 1. b plus 2 denominator में ले लिया है मैंने. अब देखो ये minus 1 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा plus 1 is equal to x, यानी कि x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी. b plus 2 denominator में रहेगा b plus 2, तो b plus 1 हो जाएगा minus 1 plus 2 is equal to plus 1. तो x की वैल्यू मिल गई, यानी कि मुझे ये जो OA distance है वो OA distance मिल रहा है. OA distance कितना होगा, b plus 1 upon b plus 2. अब देखो मैं यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे b के, b में x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. देखना यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो y इज इक्वल, y माइनस 1 इज इक्वल टू b प्लस 2 इंटू x मिल गया. अब देखो मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, x की वैल्यू मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करनी थी, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 ही बचेगा, राइट. तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2 प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस कॉमन बी प्लस 1. तो माइनस ऑफ बी प्लस 1 मुझे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मिल गया, राइट. तो मुझे ये डिस्टेंस OB पता है, OA डिस्टेंस पता है. तो देखो यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 OA इंटू OB, 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड ही होता है. ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड. एरिया हमें 2 यूनिट्स दिया है, इसलिए यहां पे मैं 2 यूनिट रख रहा हूं, 1/2. OA कितना मिलेगा, OA इज इक्वल टू b प्लस 1 अपॉन b प्लस 2, और ये OB डिस्टेंस कितना मिलेगा, माइनस का b प्लस 1, राइट. देयरफॉर इट इज इक्वल टू 4b प्लस 2 2 4 2 8 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये बी प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1. इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बी स्क्वायर प्लस 6b
plus 9 is equals to 0. Therefore, it is b plus 3 whole square equal to 0. Therefore, b is equal to minus 3. Option C is the correct answer. So, question ko achche se padhiye, achche se data collect kijiye aur phir solve kijiye. Within a minute question solve ho sakta hai ye. Right? Chalo, pause the video to note it down. चलो अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ अ पॉइंट टू द कर्व y = x ln x वेयर नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन. तो सबसे पहले हम फिगर बना के ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. तो देखो हमारे पास कोई एक कर्व है जो कि y = x ln x टाइप का कोई एक कर्व है, कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे ये कर्व, और इसके एक पॉइंट पे मैं नॉर्मल बना रहा हूं. देखो ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल होगा. तो ये लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी? नॉर्मल लाइन हो जाएगी. ये टेंजेंट लाइन है और मुझे क्या दिया है कि वेयर द नॉर्मल इज, इसका मतलब मुझे कौन सा पॉइंट निकालना है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P निकालना है. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से टाइप का है? नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन. यानी कि एक लाइन का इक्वेशन मुझे दिया गया है, ये लाइन. ये लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x minus 2y is equal to 3. तो ये जो नॉर्मल मिल रहा है, ये नॉर्मल ये गिवन लाइन के पैरेलल है. तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप देखो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि इसका स्लोप हो गया 1. यानी कि रिक्वायर्ड नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1. इसका स्लोप भी हमारे पास मिल गया, इसका स्लोप हो जाएगा 1 और इसका स्लोप तो 1 था ही. तो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप 1 है. स्लोप 1 पता है मुझे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P निकालना है. तो देखो क्या करते हैं हम यहां पे. सबसे पहले मैं इसका dy / dx निकाल लूं. dy / dx हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो dy / dx की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं यहां पे. x बाहर आ गया, ln x का डेरिवेटिव 1 / x प्लस ln x फिर से बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया 1. यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे क्या मिल गया यहां पे? 1 + ln x, 1 + ln x. अब देखो अगर मुझे ये स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट का रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है. अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा. तो यहां पे इसका स्लोप ये है तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/(1 + ln x). सो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम 1 से कंपेयर कर सकते हैं. सो 1 = 1/(1 + ln x). 1 + ln x यहां पे ले लो तो 1 + ln x -1, यानी कि ln x = 2, -2 ln x -2. अब देखो यहां पे e की पावर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? e^ln x -2, यानी कि x की वैल्यू में मिल गई e^-2. अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्व के इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. y = e^-2. देखो यहां पे कर्व में मैं x की वैल्यू e^-2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ln e^-2. ये -2 पावर आगे आ जाएगा तो -2 e^-2 ln e की वैल्यू 1 होगी, इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा -2 e^-2. यानी कि x के कोऑर्डिनेट है e^-2 एंड -2 e^-2. तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? e^-2 -2 e^-2, राइट? सो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, राइट? ओके चलो, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay, so our third question is point on the curve where the tangent is vertical. Tangent is vertical means perpendicular, perpendicular to x-axis. It means the slope of the tangent is infinite. Infinite means 1/0. Yani ki tangent ka slope hume diya gaya hai aur hume kya nikalna hai? Point on the curve. Aise points nikalne hai ki jahan pe tangent hai wo वर्टिकल मिल रहे, राइट? सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dy/dx, और dy/dx को मुझे किसके साथ कंपेयर करना होगा? 1/0 के साथ मुझे dy/dx को कंपेयर करना है, क्योंकि वर्टिकल है. अगर कोई भी लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/0. वर्टिकल यानी कि स्लोप ऑफ दैट लाइन इज 1/0. तो अब देखो यहां पे मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3y² dy/dx + 6x is equals to 12 dy/dx. अब देखो dy/dx को
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो dy / dx कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 3y स्क्वायर - 12 इज इक्वल टू - 6x राइट। यहां पे मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये इसको राइट हैंड साइड भेज दिया है, तो dy / dx हो जाएगा - 6x / 3y स्क्वायर - 12। इसको मुझे कंपेयर करना है 1 / 0 के साथ राइट। सो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पे 0, यानी कि 3y स्क्वायर - 12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 / 3 यानी 4, y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 मिल गया राइट। तो अब मैं यहां पे y इज इक्वल्स टू प्लस 2 सबट्रैक्ट करूंगा, सबसे पहले इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2 सबट्रैक्ट करने से क्या मिलता है देखते हैं यहां पे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 टू द 24, therefore 3x square is equals to 16, therefore x square is equals to 16 by 3, यानी कि x is equals to plus or minus 4 by root 3। अब देखो y की वैल्यू minus 2 सब्ट्रैक्ट करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। y की वैल्यू minus 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे आ जाएगा minus 8 plus 3x square is equals to minus 24, therefore 3x square is equals to minus 16, therefore x square is equals to minus 16 by 3, which is not possible because it is not a real number, it is a complex number, so which is not possible. So our answer is plus or minus 4 by 3, x coordinate aagaya plus or minus 4 by 3 and y coordinate plus 2 aagaya right, so isme se option D correct hai right, so please pause the video to note it down. Okay, so fourth question, the slope of tangent to the curve represented by x and y parametric form में x and y हमें दिया है, at the point 2-1, यानी कि 2-1 point पे हमें tangent का slope निकालना है, जिसका parametric form ये है, right? So, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे dy by dx find करना होगा कि नहीं, तो dy by dx किससे find करेंगे हम? dy by dt upon dx by dt से हम find कर सकते हैं, right? So, तो मुझे यहाँ पे t की value तो find करनी होगी, क्योंकि हमारे पास slope जो है वो t के form में आएगा, तो सबसे पहले मुझे t की value find करनी है, तो मुझे point given है, यानी कि ये जो value है वो x के साथ compare कर सकते हैं और ये value y के साथ compare कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं t की value निकाल रहा हूँ, ये point के लिए t की value, t पैरामीटर की वैल्यू ये पॉइंट के लिए मैं निकाल रहा हूं राइट, सो उसके बाद हमें स्लोप मिलेगा, तो सबसे पहले x यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t - 8 और x की वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है 2, तो मैंने यहां पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर प्लस 3t, 8 - 2 इज - 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 2 = 10, t प्लस 5 t minus 2 is equal to 0, यहां पे t मिल गया मुझे minus 5 and t is equals to 2 right, तो ये 2 values मिल गया। अब y coordinate को compare करने से क्या मिलता है देख लेते हैं, यहां पे minus 1 is equals to 2t square minus 2t minus 5, यानी कि 2t square minus 2t और हो जाएगा ये minus 4 is equal to 0, 2 common लेके cancel कर देते हैं, यहां पे t square minus t minus 2 is equals to 0। अब देखो इसको किससे फैक्टराइज करेंगे, t minus 2, 2 1 = 2 minus 2 plus 1 यानी कि minus 1 यहां पे आ गया, यानी कि t की वैल्यू हमें मिल गई 2 and another value is t is equals to minus 1, तो ये दोनों में t की कॉमन वैल्यू कौन सी है 2, यानी कि t का जो आंसर है वो क्या आएगा 2, पैरामीटर t की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। अब मैं यहां पे dy / dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं राइट, तो dy / dx बेसिकली क्या होगा यहां पे, dy / dt upon dx / dt, सो dy / dt क्या मिल रहा है देखो, dy / dt 2t plus 3 एंड dx / सॉरी ये dx / dt है हमारे पास राइट, सो dy / dt क्या है 4t - 2 एंड dx / dt इज 2t plus 3। अब t की वैल्यू कौन से सब्ट्रैक्ट करनी है हमें 2, दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वही सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो यहां पे मुझे स्लोप मिल जाएगा t = 2 के पास, तो 4 2 = 8 - 2, 3 2 = 6 + 3 यानी कि ये आ गया 6 / सॉरी 4 + 3 राइट, 2 2 = 4 + 3,
4 to the 8 minus 2 and 2 to the 4 plus 3, 8 minus 2 is 6, 4 plus 3 is equals to 7. Yani ki 6 by 7 is our answer. Please pause the video to note it down. Okay students, so our 5th question, जो कि JEE Mains 2016 का question था, consider f of x is equals to tan inverse, x belongs to something is given and a normal to y is equals to f of x at x equal to pi by 6 also passes through the point. देखो, अब ये question में हमें क्या दिया है कि एक जो है वो inverse trigonometric function हमें दिया है, right? यहाँ पे inverse trigonometry, तो यहाँ पे mixed conceptual type question है, यानी कि inverse trigonometry अगर आपको पता है तो inverse trigonometry का भी यहाँ पे use होगा और हमें function को simplest form में सबसे पहले inverse trigonometry का concept का use करके simplest form में इसे convert करना रहेगा, right? So देखो अभी इसे किसे convert करेंगे? Tan inverse अंडर रूट ऑफ, आपको पता है कि 1 को हम cos square x by 2 plus sin square x by 2 लिख सकते कि नहीं, तो मैं सबसे पहले 1 को रिप्लेस कर रहा हूं cos square x by 2 plus sin square x by 2. अब sin x क्या हो जाएगा, 2 sin x by 2 into cos x by 2, हम इसे ऐसे लिख सकते कि नहीं, तो न्यूमरेटर को मैंने ऐसे सिंपलीफाई किया और डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, 1 को रिप्लेस कर रहे हैं cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 into cos x by 2. अब देखो, next step में हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square upon cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square. अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर निकल के जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, इसलिए यहां पे मुझे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके मॉड सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि इसके न्यूमरेटर में भी मॉड आएगा, मॉड ऑफ cos x by 2 plus sin x by 2 upon मॉड ऑफ cos x by 2 minus sin x by 2. अब देखो न्यूमरेटर में तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि x लाइक कर रहा है 0 टू पाई बाय 2 में, यानी कि x बाय 4 लाइक करेगा 0 टू पाई बाय 4 में, तो ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव को ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा, यानी कि मोड के बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 टू पाई बाय 4 x बाय 4, देखो यहां पे x की वैल्यू है 0 टू पाई बाय 2 के इन बिटवीन में, यानी कि x बाय 2 की वैल्यू 0 टू पाई बाय 4 के इन बिटवीन में होगी. अब देखो sin x और cos x का कर्व वहां पे यहां पे बन रहा है, अगर तो sin x का कर्व 0 टू पाई बाय 4 में इस तरफ ऐसा मिलेगा, यहां पे पाई बाय 2 है हमारे पास, यहां पे कहीं पे पाई बाय 4 आएगा, cos की वैल्यू 0 के पास 1 आती है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट? तो यहां पे जो पॉइंट है ये पॉइंट है पाई बाय 4, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाय 4 पॉइंट होगा. अब देखो इसमें कौन सी वैल्यू लार्जर है, ये cos का कर्व है, ये sin का कर्व है, यानी कि 0 टू पाई बाय 4 के इन बिटवीन में cos इज अ लार्जर फंक्शन, यानी कि लार्जर में से स्मॉलर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कि नहीं, तो इस तरह से ग्राफ के ऊपर से हमें यहां पे डिसाइड करना होगा कि cos की वैल्यू लार्जर है, 0 टू पाई बाय 4 के इन बिटवीन में cos की वैल्यू लार्जर है, इसलिए हम यहां पे जो ये सीक्वेंस लिखे वो सीक्वेंस बराबर है, इसको चेंज नहीं करनी है, राइट? तो यहां पे बचेगा हमारे पास cos x by 2 minus sin x by 2. अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं sin x by 2 से डिवाइड कर रहा, cos x by 2 से, सॉरी cos x by 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 plus tan x by 2, यहां पे क्या बचेगा, 1 minus tan x by 2. अब देखो 1 तो tan pi by 4 होता है, यहां पे भी tan pi by 4 है, यानी कि हमें एक इक्वेशन पता है कि tan alpha plus beta, tan alpha plus beta का इक्वेशन पता है आपको, tan alpha plus beta is equals to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. तो यहां पे मुझे 1 दिख रहा है, तो ये 1 को मैं tan pi by 4 भी बोल सकता हूं क्योंकि tan की वैल्यू pi by 4 के पास 1 होती है, तो इसको भी मैं यहां पे tan pi by 4 लिख सकता हूं कि नहीं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई pi by 4, बीटा की वैल्यू हो गई x by 2, तो ये इक्वेशन के ऊपर से हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स into bracket tan pi by 4 plus x by 2. अब tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा f(x) = pi by 4 plus
x by 2, तो मुझे ये function simplified form है, function मिल गया है. अब देखो next में हमें क्या करना है, a normal at x is equals to pi by 6, तो मुझे normal निकालना है pi by 6 के पास, right? तो मैं यहाँ पर point of contact निकाल लेता हूँ. point of contact के लिए x की value pi by 6 है, तो y की value मुझे क्या मिलेगी, pi by 4 plus pi by 6, pi by 4 plus pi by 6 मिलेगी, right? तो अब देखो यहाँ पे 6 2 का 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 पाई प्लस 2 पाई, तो ये हो गया 5 पाई बाय 12, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, सॉरी x बाय 2 है इसलिए पाई बाय 6 पाई, यहाँ पे 12 आ जाएगा, राइट? तो ये हो गया आपके पास पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाय 12, 4 पाई बाय 12 यानी कि 4 3 जा पाई बाय 3. So point हमें मिल गया, point of contact जो है, point of contact कौन सा है, pi by 6 comma pi by 3 is the point of contact. ये जो normal का point of contact मुझे मिल गया है. अब मुझे यहाँ पे tangent का अगर slope निकालूंगा तो tangent का slope क्या मिलेगा, tangent का slope मिल जाएगा मुझे 1/2, लेकिन मुझे तो कौन सा slope चाहिए, slope of normal. So slope of normal हो गया -2. अब देखो मैं equation of normal बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है और नॉर्मल कौन से पॉइंट में से पास कर रहा है ये मुझे फाइंड करना है. तो ये 4 ऑप्शंस मुझे चेक करने होंगे नॉर्मल के इक्वेशन में. तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल का इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो नॉर्मल का इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ y माइनस y नॉट, y नॉट यानी कि पाई बाय 3 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 6. अब देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3 यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3. अब देखो हम ऑप्शंस चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो सबसे पहले 0 2 पाई बाय 3, तो यहां पे 0 प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, यस ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहां पे पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करोगे पाई बाय 2 प्लस 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और 0 0 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ए, राइट? सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके सो सिक्स्थ क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व this at point 1,3 is. देखो अब कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, मुझे dy by dx निकालना है कौन से पॉइंट पे, 1,3 पॉइंट पे वही स्लोप होगा टेंजेंट का. तो देखो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स टू दावर 5 पावर एट फ्रंट रिड्यूसिंग 1 पावर इंटू, इसके डेरिवेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dy by dx माइनस 5x टू दावर 4. अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इज 2 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1 इनटू अगेन 2x प्लस सेकंड टर्म इज 1 प्लस x स्क्वायर स्क्वायर इज एट आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. अब देखो मुझे dy / dx कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1,3 यानी कि जहां पे भी मुझे x दिख रहा है 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा और जहां पे मुझे y दिख रहा है वहां पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? तो देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पे 2 इनटू y की वैल्यू मुझे 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहां पे हो जाएगा 3 माइनस 1 इनटू dy / dx को मैं m लिख देता हूं क्योंकि वही हमारा स्लोप होगा माइनस 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे 1 इनटू 2 इनटू 1 प्लस 1 अगेन 2 इनटू 1 प्लस 1 अगेन 2 इनटू 2 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 4 इज 12. सो एम माइनस 5 इज इक्वल टू 12 बाय 4, 12 बाय 4 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 8. सो रिक्वायर्ड स्लोप इज इक्वल टू 8. सो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8, राइट? ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं.
नेक्स्ट सेशन यानी कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चारों जो लेंथ है वो लेंथ के इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके प्रूफ देखेंगे और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर, और नेक्स्ट सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग मैथ्स विद माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।